फर्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 9th जो है दैट इज ऑन द पेज 49 ओके तो एग्जांपल नंबर 9 फ्रॉम पेज 49 वी हैव टू डू दिस एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/π क्लियर कट हम वैसे नॉर्मली कहते हैं कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते हैं बट कैंसिल कब होते हैं जब वो अपने प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई करते हैं 3π/π आप वैल्यू इवैल्यूएट कर लीजिए पाई की जगह 180 लिख लिया करिए ठीक है करके इवैल्यूएट कीजिए इट डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 मतलब -90 to 90 के बीच में लाई नहीं करता तो बेटा अगर लाई नहीं करता है तो दैट मीन्स मुझे इसको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई नहीं करता तो दैट मीन्स मेरे को इसको ब्रेक करना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन आपको ये पता है कि जो नीचे होता है मैं कहती हूँ उससे ब्रेक करते है ना यहाँ पर 5 है तो 5 के मल्टीपल से ब्रेक करेंगे तो 100% 5π - 2π लिखेंगे तभी ये ब्रेक होगा इजीली तो मेरे पास यहाँ पर साइन इनवर्स साइन ये π - 2π/5 बनेगा ओके बेटा अब क्लियर कट है यहाँ पर आपको पता है साइन π - θ अब +1 का कॉन्सेप्ट साइन π - θ जो है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई पे कोई चेंज नहीं होता तो साइन थीटा होता तो दैट मींस मैं यहाँ पर साइन 2π/5 लिख सकती हूँ ओके जी अब बेटा क्लियर कट 2π/5 दैट बिलोंग्स टू -π/2 टू पाई बाय मैं आपको बार बार कह रही हूँ आपको नहीं पता चलता है तो आप वैल्यू वैल्यूएट कर लीजिए पाई की जगह पे 180 पुट करके देख कीजिए जब पुट किया तो ये देखिए 5 3 15 और ये 6 का अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लो 12 1 और ये 72 तो 70 डिग्री लाई करता है -π/2 टू π/2 72 डिग्री ओके तो अब बेटा मेरे पास हो गया यहाँ पर क्या आंसर बना 2π/5 दिस इज द आंसर सिस्टमेटिक वे से आपने रिप्रेजेंट कर दिया क्लियर बेटा कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर चले आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th एग्जाम्पल ये भी एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया ठीक है तो हमारे पास हो गए एग्जाम्पल 10th देखिए क्या है मेरे पास शो दैट साइन इनवर्स 3π - साइन इनवर्स 8π/17 दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 बेटा क्लियर कट है मैं आपको बता दूं आप दो मेथड से कर सकते हो कैसे एक तो आप साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए ठीक है वहां से आप सारा सॉल्व करके आंसर साइन इनवर्स मिला है साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करके ट्रायंगल बना एक मेथड ये है दूसरा मेथड ये पहले ही कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो दोनों को और फिर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए ये आप पे डिपेंड करता है ठीक है तो मैं प्रेफर करूंगी कि हम साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाए फॉर्मूला जरूर मेंशन करो कि आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया एक्स अंडर रूट 1 - y² माइनस वाई अंडर रूट 1 - x² ये फॉर्मूले को आप यूज कीजिए जब आप यूज कर रहे हो तो आपके पास साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² माइनस वाई अंडर रूट 1 - x² ओके तो साइन इनवर्स 3/5 अब बेटा
मेरे पास जो है 17 का स्क्वायर यहाँ पर, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, 17 × 17 289 माइनस 64 माइनस 8/17, ठीक है बेटा। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे कैलकुलेशंस करेंगे तो दैट इज अंडर रूट 25 माइनस 9 बाय 25। क्लोज करती है इसको, ओके बेटा। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करें 289 माइनस 64, मेरे पास क्या आया, साइन इनवर्स 3/5 रूट 225 बाय 169, सॉरी 17 का स्क्वायर था ना, यहाँ 289 लिख ही देते हैं, 289 माइनस 8/17 और ये करेंगे तो 16 का रूट 4 और ये 5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी बेटा मेरे पास 15 का स्क्वायर होता है 225, तो मैं यहाँ पर 15 लिख देती हूँ ऊपर और नीचे ये 17 का है, वो तो पता ही था, ओके। अब इनकी कैलकुलेशंस कर लीजिए, साइन इनवर्स, ये कटिंग हो रही है, कटिंग करनी है कटिंग कर दो, बट बेटर होता मैं कहती हूँ अगर जैसे यहाँ 5 कटिंग हो रहा था बट यहाँ नहीं होगा, फिर अल्टीमेटली तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा ना, तो बेटर है आप रहने ही दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, 17 × 5 मेरे पास ये 85, साइन इनवर्स ये 85, ये हो गया बेटा 15 × 45 और माइनस 30, ओके। अब मैं ऊपर कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो मुझे, सॉरी, हाँ जी। तो अब बेटा इसके बाद साइन इनवर्स, हाँ जी, ये मेरे पास हो गए कितना हुआ, 45 माइनस 32 13/85, ओके बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसको कॉस इनवर्स भी चेंज करेंगे, है ना, उसके लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। क्या करेंगे, इसको थीटा लेट कर ले, शो जरूर करना है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये था पी बाय एच, है ना, पी इज 13, एच इज 85। अब मुझे क्या करना है, ये निकालना, अंडर रूट 85 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, इसको इवेल्युएट कर दीजिए, हाँ जी, 85 × 85 दैट इज 7225 माइनस 13 स्क्वायर, मेरे पास टू गए 169, ओके जी। अब माइनस करें 7225 में से 169 माइनस करें तो बेटा मेरे पास ये आएगा 7056, ओके। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको आंसर पता है ये बी, तो इतना ही आना चाहिए, टाइम नहीं वहां फेस करना, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में। आप चेक कर लो 84 × 84 क्या होता है, देखना 7056 ही आएगा, क्लियर, क्योंकि आंसर है मेरे पास। तो अब मैंने इसको चेंज करना है कॉस इनवर्स में, तो मैं क्या करूंगी, देयरफॉर मेरे पास कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाय एच, तो 100% थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स 84/85, ठीक है बेटा। तो दैट इज इक्वल टू दिस, तो दैट इज इक्वल टू आरएचएस, यही प्रूफ करना था ना। Any doubt to anyone, you can ask me, beta. Any doubt, beta? Anything you want to ask, you can ask. हाँ जी, चले बेटा आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास जो है, मैं आपको बता दूं, बुक में बहुत सारे अलग मेथड भी यूज होते हैं, आप जिस मर्जी मेथड से कर लीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ, बट इट शुड बी करेक्ट, ओके। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, और बहुत बार पेपर में आया, ध्यान से देखना बेटा। शो दैट साइन इनवर्स
12 by 13 plus cos inverse 4 by 5 plus tan inverse 63 by 16 is equal to 5. मुझे ये शो कर। ओके बेटा, अब क्या करूं, मुझे टैन का फॉर्मूला सबसे इजी लगता है, तो मैं सबसे बेटर क्या है, मैं सबको टैन में करना, ये ऑलरेडी टैन में, मैं इसको भी टैन में कर, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं लेट कर दूंगी साइन इनवर्स 12 बाई 13 को, मैंने एक्स लेट कर लिया, कॉस इनवर्स 4 बाई 5 को मैंने वाई लेट कर दिया, और tan inverse 63 by 16 को z लेट कर, that means मैंने प्रूफ क्या करना है, that is to prove कि x plus y plus z जो है वो pi के इक्वल है, अगर मैंने इनको x y z, ओके बेटा, तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, सबसे पहले बेटा मैंने ये देखना है कि मुझे चाहिए क्या क्या, मैंने ना कंसीडर किया tan x plus y, क्योंकि पहले इन दोनों को tan में कन्वर्ट करके, और अगर मैं प्रूफ कर दूं कि मेरे पास x plus y pi minus z के इक्वल है, तो मेरे पास प्रूफ अपने आप हो जाए, तो इसीलिए मैंने कंसीडर किया। देखो, जब मैंने tan x plus y को लिया, वो क्या होता है, tan x plus tan y over 1 minus tan x tan y, अब यानी मुझे tan x चाहिए tan y चाहिए, यानी यहां से पहले कैलकुलेट करें, है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी बेटा, यहां पर कन्वर्जन करूं, ठीक है, तो कन्वर्जन करके मैं दिखाने लगी हूं आप लोगों को, देखिए sin इनवर्स 12 by 13 को मैंने x लिया था, तो sin x 12 by 13 हो गया, अब मैंने ट्रायंगल बनाई, यहाँ पर x ले लिया, साइन होता है p by h, यानी ये 12, ये इसको कैलकुलेट करें तो मेरे पास 169 माइनस जो गए 144, अगर आप देखोगे तो 169 माइनस 144 आपको पता है कि ये आएगा रूट 25, और ये 5 होगी, ठीक है। अब अगला cos inverse, मेरे पास 4 by 5 को मैंने y लिया था, अब मैंने एक ट्रायंगल और बनाई, मैंने यहाँ y, ये होता है b by h, 25 minus 16 तो 9 का रूट ये 3 हो, ओके जी, तो मेरे पास यहाँ पर जो है therefore मैं tan y भी कैलकुलेट कर सकती हूँ p by b, और यहां पर भी tan x कैलकुलेट कर सकती हूँ p by b, ओके, आई विल शो यू, वेट, देखिए मैंने सब कुछ प्रॉपरली ऊपर कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, ये वैल्यू यूज होगी और एक ये यूज होगी, अब दोनों वैल्यूज को बेटा मैं यहां पर जो है कैलकुलेट कर, ठीक है, पुट करके यहाँ वैल्यूज कैलकुलेट कर दूंगी, तो मेरे पास ये आया 12 by 5 plus y आया 3 by 5 over 1 minus 12 by 5 into 3 by 5, ठीक है, 25 मेरे पास जो है LCM आया, तो बेटा मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगी LCM, जब मैंने LCM कैलकुलेट किया, ये चेक कर लेना बेटा, P by B लिखना था 4, देखिए तो यहाँ 3 by 4, ओके जी, तो अब बेटा जब मैंने इनकी कैलकुलेशंस की, तो मेरे पास क्या आया, 20 LCM है, और ये कितना आया, 60 बन गया, सॉरी 48 प्लस 15, और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास ये 20 LCM आया, 20 माइनस ये बना 36 ओवर 20, ठीक है जी। अब बेटा देखिए यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, मेरे पास 20 कैंसिल हो गया, मेरे पास ये बना 63 और नीचे बना माइनस 60, अब ये तो इधर नेगेटिव आ गया, आया ना बेटा इधर नेगेटिव,
अब देखिए जरा हम क्या करेंगे, अब मैं बाकी सब रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ये कैलकुलेशंस करने में मैंने हेल्प ली थी। आई एम रबिंग ऑल दीज पार्ट्स, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम क्या करें। अब देखा जाए तो मेरे पास क्या बना, व्हाट आई गेट हियर, टेन एक्स प्लस वाई इज माइनस 63 बाई 60। ऐसे आया था, अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो मैंने लेट किया था टेन इनवर्स 63 बाई 16 को जेड लेट किया, यानी इसकी प्लेस पे मैं टेन एक्स प्लस वाई को मैं माइनस जोगे यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, टेन जेड इसकी जगह। अब अगर मैंने इक्वेट करना है तो मुझे इस नेगेटिव साइन को एडजस्ट करना है, एंगल के अंदर लेके जाना बेटा। तो एंगल के अंदर मैं कैसे लेके जा सकती हूँ, देखिए मैं दो मेथड से लेके जा सकती हूँ, वो कैसे बेटा, एक मैं इसको लिख सकती हूँ tan माइनस z, क्योंकि tan माइनस थीटा को मैं माइनस tan थीटा लिख सकती हूँ, वन मेथड इज दिस। और अदर मेथड मैं tan पाई माइनस z भी लिख सकती हूँ। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा। ओके बेटा, अब क्या करेंगे आगे मेरे पास, यानी दिस इंप्लाइज कि tan x प्लस z को मैं tan माइनस z भी लिख सकती हूँ और tan y x प्लस y को मैं tan pi माइनस z भी लिख सकती हूँ। ओके, अब यहां से कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास x प्लस वाई माइनस जेड के इक्वल है, यहां से कंपेयर करूं तो x प्लस वाई पाई माइनस जेड के इक्वल आता है। ओके, यहां इसको इधर ले जाओ तो x प्लस वाई प्लस जेड पाई के इक्वल, ये तो ठीक है, फिर इसका क्या करें, क्लियर कट देखिए, मेरे पास x भी पॉजिटिव था, मेरे पास y भी पॉजिटिव था, मेरे पास z भी पॉजिटिव था जब मैंने लेट किया स्टार्टिंग में। अगर x और y पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है, तो x प्लस y पॉजिटिव होना चाहिए था, बट यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो क्या ये केस एक्सेप्टेबल होगा, नॉट एट ऑल, दिस विल रिजेक्ट। y आप लिखोगे As x, y, z are positive, therefore x plus y जो है वो positive होना चाहिए, not equal to negative। पर हमारे पास तो ये negative बन रहा है, तो इसीलिए हम इस चीज को क्या कर देंगे, reject कर देंगे। Only this will accept it। और यही proof करना था। अब x की जगह आप पुट कर दो, जो हमने लेट किया था स्टार्टिंग में, साइन इनवर्स किया था, इसको कॉस इनवर्स किया था, इसको टैन इनवर्स किया था, तो अपने आप ही बन गया। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट बेटा इसमें, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। चले आगे, रसिका, सृष्टि, प्रभु, राणा, इज इट क्लियर टू यू, सबको क्लियर है बेटा, चले ओके जी, चलिए नेक्स्ट। अब बेटा मेरे पास जो है, ओके बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो एग्जांपल है वो टू मार्क्स में, वन मार्क में, ओके और नो, एग्जांपल 12 मेरे पास जो है, एग्जांपल 12 में सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, मैं है ना, सिंप्लीफाई करते हुए मुझे क्या दिया, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x ओवर b cos x प्लस a sin x, इसको सिंप्लीफाई करना, प्रूफ नहीं करना, सिंप्लीफाई में कई बार बहुत सारे आंसर्स आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं।
ठीक है, और दिया हुआ है इफ ए बाई बी टेन एक्स जो है वो ग्रेटर देन माइनस वन। ओके, अब बेटा देखिए, मैं चाहती हूं कि यहां टेन इनवर्स है ना, तो अंदर भी टेन का फॉर्मूला हो, तभी मेरा कुछ हो सकता है, या मतलब टेन का फॉर्मूला बने, या इसको मैं किसी तरह अंदर टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दू। तो बेटा टेन इनवर्स का फॉर्मूला तभी लगा सकती हूँ अगर ए माइनस बी या एक्स माइनस वाई और यहां पर क्या हो, वन। तो क्लियर कट मुझे पता चल गया, यहां वन बनाने के लिए मैं किससे डिवाइड कर दू, बी कॉस एक्स। तो डिवाइड करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता, है ना। तो लेट अस डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी कॉस एक्स। जब मैंने बी कॉस एक्स से डिवाइड किया, मेरे पास यहां पर बेटा न्यूमिनेटर में cos x खत्म हो जाएगा, तो यहां पर a by b माइनस b b कैंसिल, यहां tan x बन गया। यानी अगर ये a है, ये b है, या ये x है, ये माइनस y है, तो देखते हैं यहां वन बन गया प्लस a by b और यहां tan x। तो अगर मैं यहां फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूं, x y 1 प्लस x इंटू वाई बन गया ना, क्लियर कट बन गया ये वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस x y। ये किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यही अप्लाई करें यहां पर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्योंकि y मेरे पास क्या है यहां पर, टोटली दैट इज tan x है। तो अब ये tan x और tan इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा। देखो सिंपलीफाई हुआ कि नहीं मेरा आंसर, x इससे और ज्यादा मैं सिंपलीफाई कर ही नहीं सकती बेटा, ठीक है जी, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करें, देखते हैं हमारे पास हो। लेट अस डू एग्जांपल 13th नाउ, द लास्ट एग्जांपल। ओके, तो हमारे पास तो है यहाँ पर एग्जांपल 13 में, एग्जांपल 13 में मेरे पास क्या, सॉल्व वर्ड आ गया सॉल्व, दैट मीन्स अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रूफ नहीं करना। तो मेरे पास tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय। अब क्या करें, यहां तो क्लियर कट ही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगाए ना, क्योंकि सॉल्विंग में हमेशा कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आगे एक लॉजिक है किसी चीज को रिजेक्ट करने। अब ये tan इनवर्स को उधर ले जाए तो tan बन जाएगा, tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। तो दैट मीन्स यहाँ 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने सीधा देख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो मेरे पास 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, तो सारी टर्म्स को उधर ले जाओ, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए, 2 हम लोग जो है यहाँ पर ब्रेक करेंगे 6 x माइनस x। ओके, तो मेरे पास फैक्टर्स बन के क्या आया, 6x कॉमन ले लो तो क्या बचा, x प्लस 1, अगले में माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बेटा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर्स मेरे पास ये बन गए 6x माइनस 1 और x प्लस 1। ओके, और x की वैल्यू 1 बाय 6 और माइनस 1 आ।
दो आई, बट अब कौन सा सेटिस्फाई करता है कौन सा नहीं, लेट अस सी। अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करूं, यहाँ टैन इनवर्स माइनस, यहाँ भी टैन इनवर्स माइनस, अरे दोनों माइनस माइनस नेगेटिव ही रहेंगे ना, तो ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इधर आंसर पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स ये माइनस वन वाला 100% रिजेक्ट हो जाए। रीजन पता चला बेटा? एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर बेटा, यू कैन आस्क एनी क्यूरी, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क बेटा। अच्छा सब्स्टिट्यूशन करते हुए ना मैं आपको एक चीज मतलब बता दूं कि जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कुछ चीजें मैंने उस दिन भी आपको बताई थी, बट एक बार एक नोट की फॉर्म पे अपनी बुक में लिख लीजिए कि व्हेनेवर आपके पास अंडर रूट में ऐसी टर्म है तो बेटा या तो आप साइन थीटा पुट करोगे या कॉस थीटा पुट करोगे, इसको कभी आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन अगर ऐसी फॉर्म का है टर्म तो आप टैन थीटा या कॉट थीटा पुट करोगे, बट अगर आपके पास ऐसी फॉर्म का है एक्स स्क्वायर माइनस वन तो ये सीकेंट थीटा पुट होता है या आपको सीकेंट थीटा, ये आगे बहुत जगह पे आपको हेल्प इंटीग्रेशन में हर जगह पे इसकी नीड पड़ेगी। सो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं थोड़े से आज, उससे पहले कुछ भी पूछना चाहते हो बेटे इस चैप्टर के रिलेटेड, नो डाउट ये चैप्टर खुद कम नंबर का आता है, बट मैं बार बार कह रही हूँ इनवर्स कॉन्टिन्यूटी में भी यूज होती है, इनवर्स डेरिवेटिव में भी यूज होता है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेटा आगे इंटीग्रेशन में भी हमें नीड होती है। तो चैप्टर वैसे चाहे खुद जो है बहुत कम नंबर का आता है बट इसकी नीड आगे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। लेट अस डू द क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस ही कराती हूँ, शॉर्ट में आप फिर खुद भी मैनेज कर पाते। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये कैसे करना है क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्व, आई विल गिव यू द टाइम टू सॉल्व इट, ओके। थ्री टैन इनवर्स वन ओवर टू प्लस रूट थ्री माइनस टैन इनवर्स वन बाय थ्री, सॉरी टैन इनवर्स एक्स आएगा यहाँ, इक्वल टू टैन इनवर्स वन बाई थ्री। चलिए क्या आपके माइंड में आता है, कैसे स्टार्ट है, जल्दी बताइए। एनीथिंग कम्स इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, कोई तो बेटा पार्टिसिपेट करो, कोई तो कुछ बोलो। हाँ जी लक्ष्य, प्रभु, राणा, फतेह, चलिए मैं बता देती हूँ बेटा। हम चाहती है कि हम इसको ब्रेक करें, है ना, कई बार हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, रूट नीचे है तो मैं इसको क्या कर दूँ, मैं रैशनलाइज करके देखो क्या पता ये सिंप्लीफाई हो जाए, है ना। तो पहला मेरे दिमाग में आता है कि मैं सिर्फ कंसिडर करूं टैन इनवर्स, मैंने वन ओवर टू प्लस रूट थ्री को रैशनलाइज कर दिया। जब मैंने रैशनलाइज किया तो बेटा मेरे पास यहाँ पर टैन इनवर्स टू माइनस रूट थ्री, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो फोर माइनस थ्री ये वन ही हो गए। तो देखिए कितना मतलब लगता है कि हाँ भी न्यूमिनेटर में सब कुछ आ गया, ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। अब अगर ये थ्री टैन इनवर्स इस पूरे को एक्स
ले लो, पूरे को एक्स ले लो। आपको याद हो अभी तक हमने 3 tan inverse वाले फॉर्मूले यूज किसी क्वेश्चन में नहीं किए, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग है ना। तो आपको पता है कि 3 tan inverse x जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज tan inverse 3x माइनस x क्यूब ओवर 1 माइनस 3 tan 3x। अब ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूँ ताकि मेरा डाटा ये 3 खत्म हो जाए, क्योंकि आगे वाली टर्म जो होती है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा तो मैं सीधा इस टर्म को इधर ले आऊंगी, इसको उधर ले जाऊंगी, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो इतना मुझे पता चल गया कि इसकी जगह पे ये आया तो मैं यहाँ पर ही डाटा चेंज करने लगी हूँ, तो दैट मीन्स आई एम राइटिंग हियर 2 माइनस रूट। ओके, तो अब मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो मैं इसकी जगह पे बेटा 3 tan inverse x की जगह पे आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला tan inverse 3 into x। मेरे पास x कितना है, 2 माइनस रूट माइनस क्या आएगा, 2 माइनस रूट 3 क्यूब ओवर 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर यानी 2 रूट 3 स्क्वायर। इसकी प्लेस में आई हैव रिटन दिस, ये बाकी दोनों टर्म्स ऐसे ही चलती जाएंगे, तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेती हूँ फिर ये टर्म्स लिखूंगी। ओके, आई एम ओनली कंसिडरिंग द टर्म ताकि मेरे को बार बार सारा सिर्फ इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है कि मेरे पास जो वे कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है ना कैलकुलेशंस इजी करने के लिए, तो बेटा मैं कॉमन ले लेती हूँ ताकि मुझे उतना ही कैलकुलेशंस इजी हो जाए। आपकी मर्जी, अगर आपने ओपन करना है तो आप क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दो, हमें कोई नहीं, अल्टीमेटली तो हमने खोलना ही खोलना बेटा, तो ये आप पे डिपेंड करता है। हम ओपन कर लेते हैं, 6 मेरे पास माइनस 3 रूट 3, हाँ जी माइनस a माइनस b का क्यूब a क्यूब 8 माइनस b क्यूब। अब रूट 3 का क्यूब बेटा देखिए 3 बार, तो यहाँ पर 3 रूट क्यूब 3 रूट 3 बनेगा हमारा, तो आई एम राइटिंग ये 3 रूट 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो वो भी 3 आ ओवर 1 माइनस 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 2ab, तो 4 रूट 3। सिर्फ कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी है बेटा, tan इनवर्स सिंप्लीफाई कर लो पहले जितना कर सकती हो बेटा, माइनस 8 ये है माइनस 12 ये है माइनस 3 रूट 3 का ना, तो माइनस 12 और ये हो गया माइनस 15 और ये 3 3 का 9 9 2 का 18। मैं आपको नीचे दिखाती हूँ सारी कैलकुलेशंस, ओवर मेरे पास 1 माइनस ये इसकी जगह पे 7 कर दो, ठीक है 21 प्लस 12 रूट। ओके बेटा, अब ये मेरे पास माइनस 18 प्लस 8 ये हो गया माइनस 10, ये खत्म हो गया, ये नेगेटिव इन दोनों को क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, तो मेरे पास ये प्लस और ये प्लस। ओके जी, अब ये tan इनवर्स मेरे पास 16 प्लस 12 रूट 3 ओवर मेरे पास क्या आया बेटा यहाँ पर,
दैट इज -20 + 12√3। ओके, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें, 4 से सारे डिवाइड हो गए तो कर दिए हमारे पास, तो tan inverse, जब 4 कॉमन लिया तो 4 + 3√3 ओवर मेरे पास, मैंने 4 यहां से लिया तो -5 यहां पर, और यहां पर बेटा मेरा बचा +3√3। एक बार चेक कर लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम होगी तो कैलकुलेशन सारी चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हमारे पास, इस वैल्यू को और दूसरी तरफ से ये वैल्यूज जो हमारे पास हैं इनको कंबाइन करेंगे, tan इनवर्स 1/3 है, इसके साथ फिर फॉर्मूला लगाएंगे जो नीचे इवैल्यूएट हुआ, और दूसरी तरफ से tan इनवर्स 1/x, फिर बेटा वो tan इनवर्स और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके जी, क्लियर, आई थिंक अब आप कर सकती हो, बिकॉज द टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, आप कंप्लीट कर लेना इस क्वेश्चन को, कोई भी प्रॉब्लम होगी टुमारो यू कैन आस्क। ओके बेटा, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।